Now we all are here in library. तो आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में 24/7 लाइब्रेरीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल. और बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट सब लोग प्रेफर करते हैं नाइट में पढ़ना. तो आप लोगों के क्या व्यूज़ है कि 24/7 लाइब्रेरीज का क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, तो कुछ अपने रिगार्डिंग इसके व्यूज रखिए. मुझे लगता है कि 24/7 लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों की वर्किंग मैकेनिज्म ऐसा होता है, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी होती है कि वो दिन में काम करते हैं, कुछ का होता है जो रात में करते हैं. मैं प्रेफर करता हूँ रात में पढ़ना. तो उस टाइम पे लाइब्रेरी बंद है, रूम पे यू फील लेजी. It's something in the room, you just feel lazy. And apart from that, the entire environment of boys hostel, we all play CSGO, everything there. So if you have the comforts of your bed, the comforts of your friends, you can't study. So yeah, my take is that library should be open, apart from library, the lab should be open 24/7. I agree. Moreover, abhi hamara week-to-week schedule ho raha hai, and it will be going on for 2 months. So meri team voice ke saath hai. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं दिन में सारा काम कर लूँ. मैं भी काम रात में करती हूँ, पूरी पढ़ाई पूरा कॉलेज पे काम रात में होता है. तो आफ्टर नाइन्थ ईयर वी नॉट स्टे इन लाइब्रेरी. सो आई टोटली थिंक कि हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हम पूरे दिन यहाँ पे बैठ के काम कर सके. बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं. कुछ कॉन्सिक्वेंसेज पे डिस्कशन आई थिंक थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इस रिगार्डिंग, बिकॉज